announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. कोरोना की चुनौतियों के बीच कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां तेजी के साथ जारी हैं। एकेडमिक सेशन 2020-21 के पास आउट हुए 84 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए जाएंगे। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 27 जुलाई 2021 को शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू के सुंजवा आर्मी स्टेशन में इस वर्ष मार्च महीने में हुई सेना की भर्ती में कामयाब होने वाले युवाओं के लिए 25 जुलाई को होने वाला कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को स्थगित कर दिया गया है। टेस्ट की डेट अब नए सिरे से जारी की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय ने ये कार्रवाई कोरोना से उपजे हालात व अगले कुछ दिनों में तेज बारिशें, भूस्खलन, मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखकर की है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए कई अच्छी खबर आ रही है। 49 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में मीरा बाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। वो भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। पूरा देश खुश है, प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की टीमों ने आज सुबह श्रीनगर के पूर्व डीसी शाहिद इकबाल चौधरी के श्रीनगर स्थित सरकारी आवास समेत करीब 22 जगहों पर छापा मारा। कश्मीर में छापे 12 जगहों और जम्मू में 10 जगहों पर चल रहे हैं। सीबीआई ने ये छापेमारी फर्जी गन लाइसेंस के मामले में मारे हैं। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2012 के बाद से जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से 2 लाख से अधिक बंदूक लाइसेंसेस जारी किए गए हैं। जम्मू में बार बार ड्रोन देखे जाने के मुद्दे को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं इस मुद्दे पर संसद में बहस की भी मांग रखी गई। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि इस तरह से पाकिस्तान ड्रोन भेजकर जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बना रहा है। केंद्र को पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं उन्होंने विपक्ष द्वारा इस पर राजनीति करने पर अफसोस जाहिर किया। जिला रामबन के उखराल में पैंथर्स पार्टी के ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी देवा सिंह बाली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने दूरदराज के सड़कों की खस्ता हालत बना दी है और इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द से जल्द सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग नहीं कराई गई, तो हम राष्ट्रीय राजमार्ग बनकर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। जम्मू में भारतीय खिलाड़ियों की टोक्यो ओलंपिक में हौसला अफजाई के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा एमए स्टेडियम जम्मू से एक बाइक रैली निकाली गई, जिसे नेहरू युवा केंद्र संगठन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के डिप्टी डायरेक्टर निसार अहमद और एसपी नॉर्थ द्वारा रवाना किया गया। चेयर फॉर इंडिया का उद्देश्य टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना है। बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के प्रमुख आधार शिविर पहलगांव में आज शनिवार को आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर लिद्दर नदी किनारे भूमि पूजन, नवग्रह पूजन, छड़ी पूजन और ध्वरारोहण का अनुष्ठान आरंभ हो गया। इसके साथ ही पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। अलबत्ता कोविड महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को रद्द कर दिया गया है। जिला रामबन के बनिहाल में एक जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन सब रजिस्ट्रार एसडीएम बनिहाल द्वारा आयोजित किया गया। जागरूकता प्रोग्राम आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भूमि पंजीकरण के डिजिटलकरण के संबंध में लोगों को जागरूक करना है। इसकी अध्यक्षता रजिस्ट्रार बनिहाल जहीर अब्बास ने की। कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य, बार एसोसिएशन बनिहाल के लाभार्थी एवं एडवोकेट उपस्थित थे। श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रेस एनक्लेव में केंद्र के खिलाफ बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल गैस के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि बीजेपी सरकार को देश के गरीब नजर नहीं आ रहे हैं, जनता का जीना मुहाल हो गया है। युवाओं ने पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कम करने की मांग की।
जिला शोपियां के दुरपुरा में स्थानीय लोगों द्वारा शोपियां के जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके गांव में गंदा पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में काफी रोष देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में पानी के कई झरने होने के बावजूद हमें गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। यहाँ कई बुजुर्ग गंदा पानी पीने की वजह से बीमार हो गए हैं। कई बार जल शक्ति विभाग व प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क किया, परंतु जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने उच्च अधिकारियों को इसमें हस्तक्षेप कर मसले को हल करने का अनुरोध किया है। डीडीसी सुरेश शर्मा ने ग्रीन जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत ब्लॉक मेरा मंदिरिया में वृक्षारोपण किया। सुरेश शर्मा ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बडोई, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नर्डी बाला और गवर्नमेंट स्कूल मेरा मंदिरिया में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का मकसद ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर अपने पर्यावरण को बचाना है। उन्होंने लोगों से ज्यादा पेड़ लगाने की अपील की ताकि स्वच्छ हवा मिल सके, जमीन का कटाव ना हो और पर्यावरण में सुधार हो। अखनूर के उपजिला के गांव बरडो का एक प्रतिनिधिमंडल फील्ड फायरिंग रेंज Z2 सामवन को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सुरेश शर्मा से मिला। उन्होंने कहा कि इस रेंज में भारतीय सेना अभ्यास करती है और उस वक्त उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लोग माल मवेशी चराने व घास काटने भी नहीं जा सकते। पहले हमें 40 सालों से मुआवजा मिल रहा था, परंतु 2016 में बडो के लोगों को मुआवजा मिलना बंद हो गया। वहीं सुरेश शर्मा ने फोन कर डीसी जम्मू अंशुल गर्ग से इस समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया। डीसी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।